छोड़ता हूं। अटैक्शन, हमने कहा अटैक्शन, हम अंग्रेजों को जमाने के जेलर है। आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। श्री असलानी जी, फॉर आवर ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल, गुड इवनिंग तेलंगाना। क्या बात है, क्या बात है। तेलंगाना इज अ वेरी सेक्सी प्लेस, इसलिए आवाजें आ रही है, लवली। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, गुड इवनिंग बोलता हूं, और तेलंगाना के लोगों को जो यहाँ कलाकार का इतना सम्मान करते हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। ये तालियां, ये सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है, इसे मैं कंजूसी मत करना। आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि 1938 से ये जो फेस्टिवल चल रहा है, ये 2035 तक और चले। मैं दुनिया के हर कोने में जा चुका हूं साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के शो में, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिजी आइलैंड और हिंदुस्तान के हर कोने में। जो सम्मान आपने तेलंगाना में एक कलाकार का किया है, मैंने दुनिया के किसी कोने में नहीं देखा। कलाकार के पास बड़े बड़े बंगले हो, मोटरे हो, गाड़ियां हो, स्विमिंग पूल हो, दर्शन की ताली नहीं है, सीटी नहीं है, सब अंडा है, सब बेकार है। इसमें कंजूसी मत करना। के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायरेक्टर बोलता है, वो बोलना पड़ता है जो राइटर लिख के देता है। मगर यहां पर कोई सिनेमा नहीं, कोई पर्दा नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं, सिनेमा के पर्दे पे आप तो हमको देख सकते हैं, हम आपको देख नहीं सकते। आप गाड़ी दे रहे हो, गाड़ी दे, जूता फेंक रहे हो, क्या मालूम, पता नहीं चलता। मगर ये आपकी मौजूदगी, ये हमारे लिए वाकई इससे बड़ा अवार्ड मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। सर थैंक यू, आपकी तालियां ले जाऊंगा पूरे हिंदुस्तान की मुंबई फिल्म लाइन में, कि बताऊंगा ताली क्या होती। और ये जो ऑक्सीजन दिया आपने, इससे 25 साल और काम करूंगा। थैंक यू, माय गॉड, कहां जाऊंगा पता नहीं, इधर ही रहता हूं। आपने सिनेमा के पर्दे पे आपने देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में 70 साल का हीरो अपनी माँ को आके बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हो गया। माँ पूछे, राजू तू स्कूल कब गया था, हराम बोल। डायलॉग बोलना पड़ता है, राज कपूर को बोलना पड़ता, माँ मैं पास, चट्टी पहन के। 70 साल का, 60 साल का हीरो अब वो करना पड़ता है। हम वो एक डायरेक्टर थे, आप कभी फिल्म देखना टीवी पे आती है, फिल्म का नाम निशाना, जितेंद्र हीरो, बहुत बड़े डायरेक्टर साउथ के, अपने हैदराबाद के, राघवेंद्र राव नाम सुना होगा। वो एक सीन में, एक गार्डन में मैं खड़ा हूं, बेंच है, पेड़ है, और मुझे बोले, असरानी तुम पेड़ के नीचे खड़ा है, तेरी प्रेमिका आई नहीं तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा मैं घड़ी देखूंगा, साली आए क्यों नहीं, इधर उधर घूमूंगा, रेस्टलेस हो जाऊ, नहीं। वो बोलता तू पेड़ की पत्तियां खा। मैंने, मेरी माँ बकरी थी, मेरा बाप जानवर था। कॉमेडी में पेड़ की, तो मैंने, आप देखना फिल्म में उछल उछल के पत्तियां खाई। मुझे लगा बाकी मेरा बाप जानवर था। मगर करना पड़ता साहब, मगर यहां कुछ नहीं करना पड़ता। मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हैं, और ये कमाल का मौका, इतनी बड़ी तादाद में
इस एग्जीबिशन की सक्सेस देख के मैं हैरान हो गया। दुनिया में ऐसी एग्जीबिशन मैंने कभी नहीं देखी। क्या औरतें क्या बच्चे, एक ही 2 ईयर से चल रही है, बाप रे, मेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ। और सस्ते गरीबों की मदद, ट्रस्ट, उनकी हेल्प करना, आई थिंक इट्स अ बिगर ग्लोबल सर्वेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल है हैदराबाद, तेलंगाना। ये मैसेज जाएगी, ये मैसेज दुनिया के हर कोने में जाएगी। मैं ऑर्गेनाइज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। फिर भी बोलता हूं, अटेंशन, हमने कहा अटेंशन, हम अंग्रेजों को जमाने का जेलर है, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हमारी जेल में सुरंग थी, आगे इधर जाओ, आगे उड़ जाओ, बाकी सब बाकी तो हैदर के पीछे जाओ, जहूर के पीछे जाओ, जफर के पीछे जाओ। हमारे जासूस जेल के कोने कोने फैले हुए, हमारे हुक्म के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हर जगह से कुछ दिनों में हमारी बदली हो जाती, मगर इतनी बदलियों के बाद जानते तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। अरे हम नहीं सुधरे तो तेलंगाना वालों तुम क्या सुधरोगे। थैंक यू सो मच, लव यू। I think that deserves a standing ovation for the legendary Aslani साहब, जो बेहतरीन आपके सामने परफॉर्मेंस भी दे दिए, उससे हमने बुलाया उनको फेलिसिटेट करने के लिए, उन्होंने हमको ऑनर कर दिया। We can't express in words our appreciation. Please, आइए साहब। आप कहाँ पैदा हुए, आपके फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के इंस्पिरेशंस कौन थे? बिल्कुल बेकार है क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट सर, आपको हर आदमी पैदा होता कहीं ना कहीं, यार छोड़ो यार, आगे बढ़ो। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाह रहे थे हम कि आप में और इस एग्जीबिशन में एक चीज कॉमन है, आपकी एग्जीबिशन में और आप में एक चीज कॉमन है, आप पैदा हुए 1 जनवरी को और हमारी एग्जीबिशन हर साल शुरू होती है 1 जनवरी। क्या बात, नहीं ऐसी एग्जीबिशन मैंने देखी नहीं, माफ करना साहब, आप ताली बजाओ कि मत बजाओ, आई नेवर सीन दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन इन माय लाइफ, जितनी लाइफ है पता नहीं आगे बढ़ा। थैंक यू। अरे एनी सेक्सी क्वेश्चन, एनी सेक्सी क्वेश्चन, ये देखो लव यू को पूछता नहीं सारा। मैं तो फिल्मी क्वेश्चन ही पूछूंगा साहब, आप इजाजत दिए तो। आपने इतने डायरेक्टर्स के साथ काम किया, आपका अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? किसके साथ? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन 100%। मैं आपको बताऊं, मैं फिल्म शूट में था पूना 1963 था। अमिताभ बच्चन पूना आए थे एक स्टेज प्ले देखने के लिए, अभी तक कोई पिक्चर नहीं आई थी, कुछ नहीं, एक लंबा कुर्ता चूड़ीदार पजामा, और हमारी क्लास में मैं क्लास में था, तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो आप करेंगे बोले नहीं। 7 हिंदुस्तानी पिक्चर में आदमी ने शुरू किया, और इसके बाद आपने देखा होगा 8 फिल्में फ्लॉप हुई, और एक दिन रात को ऋषिकेश मुखर्जी के पास अमिताभ बच्चन आए और बोले मैं कलकत्ता वापस जाना चाहता हूँ। बोले क्या हुआ? बोले मैं अभिमान फिल्म के थिएटर में गया था, लोग मेरी हूटिंग कर रहे थे। बोले तुम गलत टाइम पे गए, फ्राइडे सैटरडे मत जाओ, मंडे को जाओ। और जैसे मंडे को गए, सारे हाउसफुल, अभिमान के बाद नमक हराम, दीवार, फिर 18 फिल्मों से सुपर, इससे बड़ा हीरो हिंदुस्तान के इतिहास में फिल्म लाइन में कभी नहीं। तो कहने का मतलब है कभी मत सोचो हैदराबाद तेलंगाना के लोग, कभी मत सोचो निराश होके मैं वापस जाऊं, मत जाओ वापस, आओ अड़ो, थोड़ी स्ट्रगल संघर्ष हमारी लाइफ है, इसीलिए मैं भी खड़ा रहा, मैं कभी घर में वापस नहीं गया, इसीलिए आपके सामने हूं। थैंक यू। आप आए थे इंडस्ट्री में
आपको हर चीज फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मालूम है, टेक्निक मालूम है, टेक्नीशियन से आपको वाकिफ है, आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि आप शायद हीरो बनने आए थे या किसी वजह से जो नहीं बन सके, कोई रिग्रेट्स आपके करियर के में? कोशिश तो बहुत की, गुजराती फिल्म में काम किया, हिंदी फिल्म में काम किया, जो भी हीरोइन देखती थी बोले कहां से लेकर, अरे हीरो होते धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजेश खन्ना, तो हम तो मैं समझ गया अपने दिल में घुस जाओ, घुस गए और आ गए, बस गए। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू सो मच, प्लीज मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, थैंक यू सो, गॉड ब्लेस यू एंड तेलंगाना जिंदाबाद। जिंदाबाद, कितनी गंदी आवाज। भैया 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 चलो आगे चलो।